खुदा ने उसे दोनों खुदावन ठहराया और मसीह भी। पहली तलावत रसूलों के अमाल, दूसरा भाग 14वीं से 36वीं से 41वीं आयत तक। उस वक्त पत्रस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले के खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावन भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पत्रस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ मर्दो भाइयों, हम क्या करें? तब पत्रस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कजरफ्तार कौम से बचाओ, बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जबूर जमाइती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जमाइती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी, ये मेरी तसल्ली का बायस है। जमाइती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सिर को तेल से मसा करता है, मेरा जाम लबरेज हो जाता है। जमाइती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी के तमाम आयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और जमानों की दराजी तक मैं खुदावन के घर में रहूंगा। जमाइती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तुम अपनी रूहों के चरवाहे के पास फिर आ गए हो। दूसरी तलावत मुकद्दस पत्रस रसूल का पहला खत, दूसरा बाप 20वीं से 25वीं आयत तक। अजीजो, अगर तुमने गुनाह करके तमाचे खाए और सबर किया तो कौन सा फकर है, लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सबर करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है, बस तुम इसके लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते रहो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह में कोई मकर ही पाया। वो ना तो गालियां खाकर गाली देता था
और ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को उसके सपुर्द करता था। जो शिदाकत से इंसाफ करता है, वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिए। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि तुम भटकी हुई बेड़ों की मानित थे, मगर रूहों के चरवाहे और निगबान के पास फिर आ गए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।